हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बहुत जल्दी और लगातार बदल रही है। हम आज जिस दुनिया को देखते हैं, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं और जैसा जीवन जीते हैं, ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए कि 100 साल पहले ये सारी चीजें आज से बहुत बहुत भिन्न हुआ करती थी। दोस्तों, हमने 100 साल पहले जीवन कैसा हुआ करता था इस पर पहले भी कई वीडियो बनाई है, लेकिन वो वीडियो हमारे देश भारत की थी। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 100 साल पहले अमेरिका कैसा था, कैसा था तब का जीवन, कैसे थे तब अमेरिका के लोग, कैसी थी उनकी लाइफस्टाइल और क्या थी उनकी इनकम। से 100 साल पहले अमेरिका के लोगों की इनकम, तब अमेरिका में मिडिल क्लास फैमिली पूरे एक साल के $1500 से भी कम कमाती थी और पूरे एक साल में करीबन लोग वहां पर $100 से ज्यादा नहीं बचा पाते थे। दोस्तों, ये जो $1500 मैंने इनकम बताई वो पूरी फैमिली की बताई, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो एक इंसान तब अमेरिका में साल का $600 से ज्यादा नहीं कमा पाता था। चीजों के दाम और महंगाई, 100 साल पहले अमेरिका में करीब 10 सेंट में ब्रेड मिल जाया करती थी, 60 सेंट में बटर और करीब उतने ही पैसों में एक डजन एग मिल जाया करते थे। साल 1919 में अमेरिका में अल्कोहल को इलीगल कर दिया गया था, जो करीब 15 साल बाद जाकर लीगल हुआ। उस समय अमेरिकी लोग अपना कमाया हुआ सबसे ज्यादा पैसा कपड़ों पे स्पेंड करते थे। जी हाँ दोस्तों, तब लोग करीब 17-18% आय का कपड़ों पे स्पेंड करते थे, यानी कि एक साल में तकरीबन $200 के लोग कपड़े खरीद लेते थे। टेलीविजन एंड एंटरटेनमेंट, दोस्तों टेलीविजन की बात करें तो टीवी का हम सबके जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और भारत में इस टीवी की शुरुआत साल 1960 में हुई थी, और करीबन साल 1965 और 70 के बाद कुछ कुछ लोग भारत में टीवी खरीदने लगे थे। लेकिन अमेरिका की बात करें तो टेलीविजन की शुरुआत वहां पे साल 1927-28 में हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका के घरों में टीवी पहुंचा साल 1940 के दशक में। और दोस्तों, उस समय भी अमेरिका में बहुत ही रईस लोग ही टीवी खरीद पाते थे। अमेरिका में टीवी के प्राइस की बात करें तो साल 1948 से 49 तक करीब 12 इंच के यानी कि 1 स्क्वायर फुट के टीवी की कीमत हुआ करती थी $400। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि उस समय लग्जरियस कार यानी कि फोर्ड की मॉडल टी टाइप की कार भी $500 में बिका करती थी, तो इस हिसाब से उस समय टीवी के दाम तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जब टेलीविजन के प्राइस डिक्रीज हुए तब अमेरिका के मध्यम वर्गीय लोगों के घरों में टीवी पहुंचा। 100 साल पहले अमेरिका की फिल्मों की बात करें तो तब सभी मूवीज साइलेंट हुआ करती थी, जिसमें कोई आवाज नहीं हुआ करती थी, और सभी मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। ट्रांसपोर्टेशन, 100 साल पहले अमेरिका में मोटर कार की खोज तो हो गई थी, लेकिन अभी भी ये लोगों की पहुंच से बाहर थी। तब बहुत ही कम और सुपर रिच लोग ही कार अफोर्ड कर पाते थे, और आम लोग घोड़े की बग्गी या घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे। दोस्तों, मोटर लॉबी शुरुआत से अमेरिका में सक्रिय रही है, इसलिए अमेरिका में न्यूयॉर्क, बोस्टन और कुछ जगह पर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो पाया है, लेकिन पूरे अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम है। आपको वहां पर जीने के लिए कार चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए सरकार ने और कार लॉबी ने मिलकर अमेरिका का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया है, वहां के रोड्स, वहां के ओवरब्रिज और वहां के हाईवेज, और इसीलिए अमेरिका में आज कार जीवन दोरी है। लेटर्स और पार्सल सर्विस, दोस्तों उस वक्त में लेटर्स और पार्सल्स ट्रेन और मोटरसाइकिल के द्वारा डिलीवर होते थे। उस वक्त मई 1918 में सबसे पहली डिलीवरी एयरवे के द्वारा हुई थी, लेकिन अभी भी इसे आम होने में और कई साल बीत जाने वाले थे। मैरिज एंड कल्चर, दोस्तों 100 साल पहले अमेरिका में मैरिज और कल्चर की बात करें तो तब डेटिंग तो बहुत दूर की बात हुआ करती थी। लोग एक दूसरे को डेट नहीं करते थे, लेकिन कपल्स को आपस में उनके पेरेंट्स मिलाते थे, यानी कि थोड़ा बहुत इंडिया जैसा ही कल्चर था। लड़के के माँ बाप लड़के के घर जाके सुपरवाइजरी एक विजिट करते थे, और वहां पर लड़का लड़की एक दूसरे से मिला करते थे। लेकिन एक चीज तब इंडिया से अलग थी, और वो ये कि तब अमेरिका में लोग मोस्टली प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल रीजन से ही शादियां किया करते थे। वोटिंग राइट, दोस्तों 100 साल पहले अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात ताजुब से लगेगी,
कि जो देश आज आपको इतना फॉरवर्ड लगता है, उस देश में महज 100 साल पहले महिलाएं वोट भी नहीं दे पाती थी। इलेक्शन में खड़े रहने की तो बात ही छोड़ दो। 100 साल पहले महिलाओं द्वारा या महिलाओं के लिए कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी होते थे कि उन्हें वोट देने का राइट मिलना चाहिए। गैस स्टेशन। दोस्तों, गैस स्टेशन की बात करें, गैस स्टेशन यानी कि जो हम इंडिया में पेट्रोल पंप कहते हैं, अमेरिका में उसे गैस स्टेशन कहा जाता है। हालांकि इस गैस स्टेशन पर मिलता तो पेट्रोल ही है, तो अमेरिका में गैस स्टेशन आज इंडिविजुअली अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, लेकिन 100 साल पहले गैस स्टेशन नई बात हुआ करती थी। तब कारें भी बहुत कम देखने को मिलती थी, इसलिए लोगों को जब भी पेट्रोल डलवाना होता था तब गैस स्टेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। हालांकि उस वक्त फार्मेसी ही गैस स्टेशन हुआ करती थी, यानी कि फार्मेसी की दुकान पर ही पेट्रोल मिला करता था, जहां पर बाहर एक छोटा सा गैस स्टेशन लगाया हुआ करता था और लोगों को अपने आप ही अपनी कार में पेट्रोल को भरना होता था। और ये कल्चर अमेरिका में आज भी है, लेकिन आज फर्क इतना आया है कि फार्मेसी की दुकान पर पेट्रोल नहीं मिलता है। नेशनल एंथम, द स्टार स्पैंगल्ड बैनर, इन शब्दों को आज हर अमेरिका वासी जानता है, लेकिन 100 साल पहले इन शब्दों को कोई नहीं जानता था। उस वक्त अमेरिका में कोई भी नेशनल एंथम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका आजाद हुए करीब 250 साल होने को है, लेकिन महज 100 साल पहले की बात करें तो तब अमेरिका में कोई भी राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम नहीं हुआ करता था। पॉपुलेशन। दूसरे साल 1900 में अमेरिका की पॉपुलेशन करीब 75 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ हुआ करती थी, जबकि आज अमेरिका की पॉपुलेशन करीब 33 करोड़ है। और दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो लास वेगास अमेरिका का एक बहुत ही पॉपुलर शहर, जिसके मेट्रो एरिया की आज पॉपुलेशन करीब 25 लाख है, इस शहर की पॉपुलेशन साल 1900 में सिर्फ 22 हुआ करती थी। जी हाँ, सिर्फ 22 लोग उस वक्त की इस छोटी सी जगह पर बसते थे, जो बाद में साल 1910 में 800 हुई और साल 1920 में वहां की पॉपुलेशन 2300 लोगों की थी। 100 साल पहले अमेरिका में लोगों का एवरेज जीवन 50 साल का हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब अमेरिका में सिर्फ 50 साल हुआ करती थी। दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और यूरोप में जो बिजनेस और फैक्ट्रियां खत्म हो गई थी वो धीरे धीरे अमेरिका में बन रही थी। अमेरिकन गवर्नमेंट इसका पूरा फायदा उठा रही थी और यूरोप में बहुत सारा माल अमेरिका से एक्सपोर्ट होता था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बहुत बढ़ गया था। और दोस्तों, यही वो दौर था जिसने आज के अमेरिका को बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक समय में कंगाल ये रहे और कुछ भी ना करने की क्षमता रखने वाला ये देश अमेरिका आज वर्ल्ड पावर कैसे बन गया, तो इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंक्लूडेड थी द होल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, जिस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप अमेरिका का पूरा इतिहास देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।